तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नाबार्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये जारी किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट की ये वैकेंसी है 2019-20 के लिए, तो यहाँ पे आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट इसकी स्टार्ट हो चुकी है 25 दिसंबर 2019 से लेके 12 जनवरी 2020 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे ऑल ओवर इंडिया में सभी सिटीजन के लिए होंगे, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है, केवल ऑनलाइन ही आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नाबार्ड की तरफ से ये जारी किए गए ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट। तो चलिए यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं, वेबसाइट दी गई है यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट www.nabard.org पे, नो अदर मोड ऑफ सबमिशन, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाई नाबार्ड। तो कोई भी अदर तरीके से अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, नाबार्ड की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 25 दिसंबर 2019 से लेके 12 जनवरी 2020 तक स्टार्ट रहेगी, और जो इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो टेंटेटिव बताया गया है कि फरवरी 2020 में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो बहुत जल्दी जो इसका होगा एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि जो इसके राइट होंगे, अधिकार होंगे, वो नाबार्ड के पास होंगे, जो कि डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी यहाँ पे आप दी गई है, तो चलिए आगे आप सभी को बता देते हैं। यहाँ पे आप पोस्ट देखेंगे तो पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाइज दी गई है, टोटल 22 स्टेट में यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है, टोटल 73 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। तो टोटल 73 पोस्ट होने वाली हैं आपकी, और यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितनी है, 73 पोस्ट हैं। तो 73 पोस्ट के लिए आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त लागू होगी, शर्त ये होगी कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं यानी करते हैं उसी स्टेट से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज आपको उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मान के चलिए आप अगर बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए तभी आप उत्तर प्रदेश के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से और आप राजस्थान में फॉर्म भरते हैं और अगर आपको राजस्थानी नहीं आती है तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूँ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, 2 आपके एग्जाम होंगे, एक प्री होगा, एक मेन होगा, उसके बाद एक आपका टेस्ट होगा LPT, लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट, LPT सॉरी। तो उसमें आपकी लैंग्वेज चेक की जाएगी कि आप भली भांति बोल सकते हैं उस लैंग्वेज को या नहीं बोल सकते, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस स्टेट से भरे उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे आप देखेंगे टोटल ये वैकेंसी के बारे में बताया गया है, आप वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं, रिजर्वेशन वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन 1 स्टेट ओनली। तो ऐसा नहीं है आपने राजस्थान से भी अप्लाई कर दिया, यूपी से भी अप्लाई कर दिया, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, इसीलिए आप केवल एक ही स्टेट से एप्लीकेशन फॉर्म भरें, चाहे किसी भी स्टेट से भर रहे हो, केवल आपको एक ही स्टेट से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर गाइडलाइन फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, बताया गया है कि जिन्हें रिजर्वेशन मिलेगा उनके लिए क्या क्या पॉलिसी एप्लीकेबल होंगी, तो उसके लिए आप देख सकते हैं, और PWD के लिए कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं वो भी आप रीड आउट कर सकते हैं अगर आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 31/12/2020 यहाँ पे कुछ नोट दिया गया एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं अगर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, ये टेरिटोरियल आर्मी के लिए है। आगे चलते हैं, और PWD आज जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी गाइडलाइन उन्होंने जारी की हुई है, एकदम सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और आगे अगर हम बात करें तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है, तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, 10th पास होनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं पास 10th स्टैंडर्ड SSC मैट्रिकुलेशन, किसी भी मान्यता प्राप्त अगर बोर्ड से या विश्वविद्यालय से अगर आपने 10वीं पास की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो 1/12/2019 तक अगर आपने 10th पास की हुई है तभी आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1/12/2019 को आपकी एज काउंट की जाएगी, कितनी आपकी एज होनी चाहिए वो भी मैं आगे आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ आगे आपको बता देते हैं एज, यहाँ देखेंगे एज की बात की गई है, जो आपकी एज होनी चाहिए 1/12/2019 को कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होगी
वो 30 साल हो सकती है, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज इसके बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर मैं आप सभी को बता दूं कि SC ST कैंडिडेट से अगर बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, यानी 35 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी 33 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे एक्स सर्विसमैन वगैरह सभी के लिए, विडो वगैरह के लिए बताया गया, तो वो आप अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप सभी को बताई गई हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की और सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल होगा प्री। तो यहाँ पे प्री, यहाँ पे लिखा हुआ था सिलेक्शन विल बी डन ऑन बेसिस 2 फेसेस ऑनलाइन टेस्ट एज गिवन बिलो एंड लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट LPT, जिसके बारे में अभी मैंने आप सभी को बताया था। तो देखेंगे प्री एग्ज़ाम जो होगा 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और 90 मिनट में आपको कंप्लीट करने होंगे। रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चन, वहीं पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, GA के 30 क्वेश्चन एंड द मैथ के आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट में यानी 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है, वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। फिर मेंस का जो सिलेबस है, मेंस का सिलेबस यहाँ पे अगर बात करें 150 यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा, 4 पोर्शन में डिवाइड होगा, रीजनिंग मैथ GA और इंग्लिश सेम होगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 150 में से आपको क्वेश्चन करने हैं और 150 मार्क्स होंगे, यानी ईच पर क्वेश्चन 1 मार्क आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग की, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देख सकते हैं। और अगर देखिए मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे जो पास किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए 1:25 में पास किया जाएगा, यानी एक सीट पे 25 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। 73x25 कर सकते हैं, इतनी कैंडिडेट को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय द कैंडिडेट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क 1/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप 4 क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपका एक सही आंसर गलत मान लिया जाएगा। 1/4 यानी 0.25 की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीस की, तो 400 रुपये आपको यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी। नीचे चल लेते हैं, आप सभी को बता देते हैं LPT टेस्ट के बारे में। जैसा मैंने बताया था LPT टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर होगा, मेरिट जो लगेगी टोटल आपके रिटर्न एग्जाम से लगेगी, फर्स्ट और सेकंड से। ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा यहाँ पे। तो आपको LPT केवल पास करना है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप उसे पास कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं वेट लिस्ट वगैरह के बारे में। यहाँ पर बात की गई है फीस वगैरह के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो कुछ कैटेगरी हैं, जैसे जनरल और OBC कैंडिडेट को 400 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी की जो कैटेगरी होंगी उन सभी के लिए फीस एकदम एग्जम्प्ट रहेगी, केवल 50 रुपये उन्हें यहाँ पे पे करने पड़ेंगे जो कि उनके सर्विस चार्ज के हैं, अदरवाइज आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल अदर के लिए यहाँ पे 400 रुपये फीस बताई गई है, 50 रुपये सर्विस के लगेंगे, टोटल 450 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। बाकी अगर SC ST PW एक्स सर्विसमैन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 50 रुपये केवल आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई भी आपको पेमेंट नहीं पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप ये पेमेंट करवा सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे भी आप जो भी मोड यूज़ करते हो उससे आप अपनी पेमेंट डिटेक्ट करवा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी होने वाली है, इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पूरी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक कर लें, उसके बाद आप वहाँ से आराम से सारी चीज़ें आप सभी को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वही फटाफट से कर लें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।